एम न्यूज स्पंदन महाराष्ट्राचे। केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी काँग्रेस कुटुंबियांवर गंभीर आरोप केलेत। अमेठीमध्ये राहुल गांधी ट्रस्टी असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये आलेल्या रुग्णाला मोफत उपचार न देऊन त्यांनी त्यांचा बळी घेतला असा आरोप स्मृती इराणी यांनी केलाय। तसंच गांधी कुटुंबियांना सपा आणि बसपाचा देखील अनेक वेळा विश्वासघात केल्याचा आरोप स्मृती इराणी यांनी केलाय। कल अमेठी का एक दर्दनाक और घिनौना सच जनता के सामने आया। एक निर्दोष गरीब राहुल गांधी जो ट्रस्टी हैं जिस अस्पताल के, उस हॉस्पिटल में गए आयुष्मान भारत का कार्ड लेके। उन्होंने मात्र यही गुहार लगाई कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मोदी जी ने आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, उसके चलते मेरा मुफ्त में आप उपचार करें। उस व्यक्ति को अस्पताल ने यह कहा, राहुल गांधी का अस्पताल है, यहाँ पर मुफ्त उपचार आयुष्मान भारत का नहीं होगा। वो व्यक्ति मर गया। मैं चाहती हूँ देश समझे कि ये परिवार इतना घिनौना है कि एक निर्दोष को मौत के घाट भी उतारने को तैयार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उनकी राजनीति प्यारी है, गरीब और मजलूम लोग नहीं है। चाहे वो बसपा हो या सपा हो, सबने धोखा खाया इस खानदान से, सबने इस खानदान से अपमान सहा है। आज की ये लड़ाई अमेठी की गरीब नागरिक और राहुल गांधी के बीच की लड़ाई है। ये वो नागरिक है जिनमें से एक की हत्या राहुल गांधी ने की है, और राहुल गांधी को अगर जवाब नहीं देना तो एक दिन भगवान तो इंसाफ करेगा ही करेगा। एएम न्यूज़ स्पंदन महाराष्ट्र से।